बदले का ऐलान और महायुद्ध। खूंखार ईरानी सेना इजराइल की ओर, बॉर्डर पर भयंकर हथियार तैनात। क्या इजराइल को मिटा देगा ईरान? बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरों के बीच पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर लगी हैं, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान अगले कुछ घंटों में इजराइल पर हमला कर सकता है। इस संभावित हमले को देखते हुए इजराइल के मित्र देशों ने खाड़ी में अपने जंगी हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। कई देशों की मध्यस्थता और बातचीत के बावजूद फिलहाल ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन दोनों देशों की सैन्य ताकत को जानना भी जरूरी हो जाता है। ईरान इजराइल और पूरे मिडल ईस्ट के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगले 1 से 2 दिनों में ही ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे रखी है, और अब ये माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। एक तरफ अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने अपने सूत्रों के हवाले से हमले की आशंका जताते हुए इसके 24 से 48 घंटे में शुरू होने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी G7 देशों को संभावित इस हमले को लेकर आगाह किया है। हालांकि ब्लिंकन ने हमले की टाइमिंग को लेकर उनके पास कोई सटीक जानकारी होने की बात से इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वाकई ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया तो क्या होगा? इसराइल की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी? क्या इस हमले के बाद दोनों देशों के मित्र देश और संगठन भी इस जंग में कूद पड़ेंगे? और सबसे अहम ये कि ईरान और इसराइल की फौजी ताकत क्या है? दोनों देश एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं? ईरान की ओर से हमले की आशंका को देखते हुए इसराइल ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि अगर उन्हें इस बात के पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं कि ईरान उन पर हमला कर सकता है, तो इसराइल ईरान को रोकने के लिए पहले ही एहतियाती हमले पर विचार कर सकता है। इसराइल पर मंडराते इस खतरे के मद्देनजर नेतन्याहू ने इजरायली सेना यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी, मोसाद के प्रमुख डेविड बारनिया और शीनबेट के चीफ रोनेन बार समेत दूसरे टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की और ये साफ कर दिया कि अगर ईरान या हिजबुल्ला में से किसी ने भी उन्हें छेड़ने की गलती की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। पर इस बात से ये तो साफ है कि दोनों देशों के बीच जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, और अगर जंग होती है तो नुकसान होना भी तय है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नुकसान दो देशों तक ही सीमित रहेगा या फिर विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगा? पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।